एसडीपीजी कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की उत्प्रेरणा एवं सहयोग से तथा इंडियन रिसोर्सेज एवं डेवलपमेंट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के तत्वाधान में चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गयी। 5 दिवसीय कार्यशाला तथा प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भर से आए अध्यापक, प्राध्यापक, छात्र छात्राएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक तथा डाइट पानीपत के छात्र तथा शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन और इसकी विधिवत शुरुआत कल्पना चावला प्लेनेटोरियम कुरुक्षेत्र से पधारे प्रशिक्षक संजीव शर्मा तथा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद नई दिल्ली से पधारे रिसोर्सेज पर्सन जितेंद्र भटनागर ने की। हरियाणा प्रांत के समन्वयक राजपाल पांचाल तथा रोहतक से पधारे रिसोर्सेज पर्सन ब्रह्म प्रकाश सैनी ने प्रथम दिन उपस्थित सभी प्रतिभागियों को 5 दिन चलने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराया। एसटीपीजी कॉलेज पानीपत में आज एक कार्यक्रम का आयोजन 5 दिवसीय कार्यक्रम है। एक ये कार्यशाला वर्कशॉप है चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार की एक एजेंसी है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। इसके साथ एफिलिएटेड एक और एजेंसी है इरादा, इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये पूरे भारत में इनका कार्य ये है कि जिन घटनाओं को जो जनमानस है वो चमत्कार मानता है और बहुत से जो जो अपने आप को महापुरुष कहते हैं, बहुत से लोग अपने को गुरु कहते हैं, सेल्फ जो प्रोक्लेम्ड जो गुरुज हैं, वो इन चमत्कारों को दिखा के कि कभी वो जीभ में भाला लगा लिया, कहीं वो उसमें थोड़ा मंत्र से अग्नि प्रज्वलित कर दी, हवा से पानी गायब कर दिया, ऐसे अनेक गणेश जी ने दूध पी लिया, ऐसे अनेक अनेक जो हैं चमत्कार घोषित किए जाते हैं, उन्हें प्रदर्शित किया जाता है और आम आदमी जो है वो एक गुरु के प्रति अंधविश्वास स्थापित कर लेता है और वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण का शिकार बनता है। ऐसे अनेक जो हैं समाज में हम उदाहरण देखते हैं। तो ये सब जो घटनाएँ हैं ये कोई चमत्कार नहीं है, इनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य और सत्य हैं और इन्हें आम आदमी भी थोड़ी सी सूझबूझ से और वैज्ञानिक सिद्धांत को समझ के आप मैं एक आम आदमी भी इनका प्रदर्शन कर सकता है। तो एक इस जागरूकता के लिए, जागृति के लिए ये 5 दिवसीय कार्यशाला का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के सौजन्य से ये कार्यक्रम महाविद्यालय में आज इसका उद्घाटन सत्र सम्पन्न हुआ और इसमें भिन्न महाविद्यालयों से छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इसमें डाइट के जो विद्यार्थी हैं भाग ले रहे हैं, इसमें आंगनवाड़ी से जो हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो भी भाग ले रहे हैं और उद्देश्य ये है कि इन सब घटनाओं को जिनको चमत्कार समझा जाता है इनको समझ के, सीख के और इनको प्रदर्शित करने का प्रशिक्षण लेके ये जो 100-120 जो प्रतिभागी हैं ये समाज में संदेश लेकर जाएं और इन घटनाओं को प्रदर्शित करें और जनमानस को जागरूक करें कि भी ये चमत्कार नहीं है और इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास स्थापित करके और स्वयं को शोषण के शिकार से बचने का प्रयास करना चाहिए।